सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सौरभ चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टैक के एक नए एपिसोड में। चलिए दोस्तों, आज की टैक न्यूज शुरू करते हैं जबरदस्त गर्मा गर्म टैक न्यूज से। यहाँ पे आज की पहली खबर निकल के आ रही है, वो है सैमसंग वाली। यहाँ पे बात करूँ सैमसंग, तो सैमसंग एक बहुत ही बड़ा लॉन्च इवेंट होने वाला है, जहाँ पे सैमसंग बताया जा रहा है की जेड फ्लिप 3, जेड फोल्ड 3, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 और उनके जो है बर्स्ट 2 यहाँ पे निकल के वर्ल्ड बर्स्ट 2 यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जहाँ पे बात करूँ जेड फ्लिप 3, तो ये भी काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा। जो गया स्नैपड्रैगन 8 GB रैम एंड एंड्रॉइड 11 के साथ आएगा, और ये बताया जा रहा है कि ये काफी यहाँ पे जो है प्रीवियस वाले जो जनरेशन है उससे काफी यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे होगा और कम्पैक्ट यहाँ पे होगा। प्रीवियस जनरेशन से बात करूं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी जो यहाँ बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी यहाँ पे अच्छी रहेगी, जो एजेस वगैरह है वो भी बहुत यहाँ पे ड्यूरेबल वगैरह रहेंगे। तो ऐसी यहाँ पे बातें हो रही है, तो बात यहाँ पे यही है कि सैमसंग बहुत ही अच्छा काम करने वाला है और ये एस पेन के साथ भी सपोर्ट करके आएगा। और साथ साथ बात करूं गैलेक्सी वॉच 4 की, तो ये बताई जा रही है कि ये बियर ओएस पे होगी, इसमें टाइजन ओएस नहीं होगा। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी अभी आपको पता है कि सैमसंग और गूगल के बीच में पार्टनरशिप हुई है, तो उसमें अभी हमें बियर ओएस देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे होने वाला है काफी अच्छी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें हो रही है, बहुत ही बड़ी बातें हो रही है। तो लॉन्च इवेंट अभी कुछ ही समय, कुछ ज्यादा समय नहीं रहा है, कुछ ही समय में हमें ये देखने को मिलने और बात करता हूँ दोस्तों आपको, चाहे सैमसंग गैलेक्सी वॉच की बात क्या बर्ड्स की बात की, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सबकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो, एक स्पेशल वीडियो आपको सभी चीजों की मिलेगी। तो बिल्कुल निश्चित रहिए कमेंट बॉक्स में, बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है MI को लेके। बात करते हैं दोस्तों MI, तो MI ने यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे बड़ी बात कर लिया, बहुत ही यहाँ पे कमाल का मतलब काम किया है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्लोबली रिपोर्ट निकल के आई है, जिसमें सबसे ज्यादा सीमेंट की बात की, जो सबसे नंबर वन पे आता है सैमसंग, नंबर टू पे Xiaomi है, और Xiaomi ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया, एप्पल तीसरे नंबर पे आता है। जहाँ पे बताया जा रहा है कि 2021 क्वार्टर 2 में सबसे ज्यादा सीमेंट की गई है Xiaomi के द्वारा, सेकंड नंबर पे आया, तो मतलब कि काफी यहाँ पे बड़ी बात है Xiaomi के लिए, मुझे लगता है काफी बड़ी बात। तो अभी आपको पता है कि मतलब कि काफी यहाँ पे कमाल की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता Xiaomi बहुत ही कम प्राइस पे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फोन यहाँ पे लॉन्च करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथ ही साथ जो है लेट्स गो डिजिटल पे रेडमी नोट जो है 11 प्रो, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पे जो है वो 200 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअल में बहुत ही बड़ी बात है कि 200 MP कैमरा सिर्फ हमें Redmi Note 11 Pro में देखने को मिलेगा, और ये बताया जा रहा है कि ये 5G का सपोर्ट भी करेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि Xiaomi ऐसे भी जाना जाता है अनएक्सपेक्टेड चीजों के मामले में। तो अभी देखते हैं क्या रहती है पूरी कहानी, और एक्चुअल में चीज हो पाती है कि नहीं, वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। यहाँ पे चली हुई निकल के आ रही है वो है यहाँ पे पोको को लेके। फाइनली दोस्तों, हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो थी पोको F3 GT। ये इंडिया में बात बताऊं तो अभी आपको पता है कि 23 जुलाई को ये जो है लॉन्च होने जाएगा जाएगा है। जहाँ पे मैं बोलता हूँ तो डायमंड सिटी वाला यहाँ पे चिपसेट देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है, और यहाँ पे डायमंड सिटी 1200 वाला वही चिपसेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे तो ये पता ही था, क्योंकि जहाँ पे अगर वन प्लस लॉन्च होगा तो उससे आगे पीछे ही ये लॉन्च होने वाला था। तो 22 जुलाई को वन प्लस आ रहा है और 23 को उसका अब आ रहा है, तो मतलब कि प्राइस की बात करूँ तो काफी टाइम इंटरेस्टिंग रहेंगे, और ऑब्वियसली मैं बात करूँ तो वन प्लस नोट 2 है उससे यहाँ पे कम प्राइस पे आएगा। तो ऐसी यहाँ पे बातें हो रही हैं, और यहाँ पे कंपैरिजन दोस्तों बिल्कुल निश्चित रहिए, जो है यहाँ पे पोको F3 GT जब आ रहा है तो इसकी भी अनबॉक्सिंग आपको जरूर मिलेंगी, वन प्लस नोट 2 की इसकी अनबॉक्सिंग आपको साथ में लेके आऊंगा, और दोनों का कंपैरिजन भी आपको अलग अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा चीजों की बात करूँ। और इसके अलावा दोस्तों तो पोको X3 GT ये यहाँ पे जो है वो मतलब की बहुत ज्यादा एमपी कंफ्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये NBTC पे यहाँ पे लिस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। और मैं बात बता दूं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जो Redmi Note 10 Pro 5G जो चाइना में गया था 5G, जिसमें डायमेंसिटी 1100 था, वही शायद हमें यहाँ पे ये पोको का जो X3 GT की बातें हो रही है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बात यहाँ पे यही है कि सबसे ज्यादा अगर वेट कर रहा हूँ तो मैं वेट कर रहा हूँ कि एक्चुअल में जो पोको F3 GT है वो किस प्राइस पे यहाँ पे लॉन्च होता है, और एक्चुअल
में क्या क्या स्पेक्स के साथ आता है, तो बिल्कुल निश्चित रहिए आपको अनबॉक्सिंग वीडियो जो दोनों के ही मिल जाएंगे। यहाँ पे जो लिखा निकल के आ रही है वो है यहाँ पे ट्विटर को लेके। बात करो ट्विटर, ट्विटर का जो यहाँ पे जेक फ्लीट टू ने लॉन्च किया था, तो ऑप्शन जो बेसिकली अभी ट्विटर ने यहाँ पे हटा दिया है। बेसिकली मैं बताऊँ तो कुछ इस तरह का, तो जैसे स्टोरी वगैरह डालते उसी तरह का कुछ यहाँ पे फ्लीट्स वगैरह डालते थे, तो बेसिकली अभी फीचर आया तो चला भी गया, और हमने यूज भी नहीं किया, आया तब भी पता नहीं था और चला भी गया, यूज वगैरह भी नहीं किया। बाकी अगर आप दोस्तों मुझे नीचे ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप जो है वो ट्विटर की फ्लीट यूज करते थे, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे जो लिखा हुआ निकल के आ रही है वो है यहाँ पे बगमी यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेके। बात करूँ पबजी न्यू स्टेट, तो यहाँ पे जो है वो इसी का रिब्रांड होगा बगमी 2। तो काफी यहाँ पे अच्छी यहाँ पे बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है जहाँ पे बगमी 2 को लेके। बात करूँ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया BGMI, तो यहाँ पे बात यही है कि ये जो है यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकल के आ रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका टीजर हमें देखने को मिलेगा अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में, हम इसका एक टीजर वगैरह आएगा। तो अभी यहाँ पे लीक्स वगैरह आ रही है तो श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात यही है कि जो बात की जा रही थी कि अगले साल हमें ये देखने को मिलेंगी, शायद हमें इसी साल देखने को मिल जाए, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अभी बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें हो रही है, तो अभी देखते हैं कि आपको पता है कि इससे पहले क्राफ्टर को बहुत कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, शायद वो करेंगे उसके बाद हमें ये देखने को मिलेंगी चीजें। तो यहाँ पे यही है कि अभी देखते हैं बगमी 2 की बातें हो रही हैं, तो अभी कब तक ये हमें देखने को मिलती है। और साथ साथ में दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ एक बहुत ही बड़ी न्यूज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो iOS यूजर है जो कि काफी समय से वेट कर रहे हैं कि iOS जो है एप्पल जो फोन वगैरह यूज करते हैं वो काफी समय से वेट कर रहे थे कि जो बैकग्राउंड वाली है वो कब तक आएगी। तो अभी यहाँ पे क्राफ्टर के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि जब भी इसके बारे में कुछ यहाँ पे मतलब कि जब भी यहाँ पे लॉन्चिंग डेट के बारे में पता चल जाएगा, बीटा आएगा, कुछ भी आएगा, तो आपको जरूर यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी बहुत ज्यादा समय लगने वाला है बैकग्राउंड वाली इंडिया को iOS में आने के लिए, तो कृपया करके थोड़ा सा यहाँ पे वेट करिए कि अब अभी शायद इस महीने के एंड तक आ जाइए, फिर अगले महीने आ जाए, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा समय आपको लगने वाला है। तो अगर आपको ज्यादा ही अगर आपसे इंतजार भी नहीं किया जा रहा है तो कोई जुगाड़ वगैरह बना के यहाँ पे आप एंड्रॉइड फोन वगैरह में खेल सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं, बाकी अगर वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लीजिए, शायद ये गेम आ ही जाएगी कुछ ही समय हमें देखने को मिल जाएंगे iOS यूजर के लिए भी। और यहाँ पे जो लिखा हुआ निकल के आ रही है वो है रियलमी को लेकर। बात करूँ दोस्तों तो एप्पल का जो मैक्स से चार्जर है जो कि फोन के पीछे लगाया जाता है और रियलमी का जो सुपर डार्ट है उन्होंने यहाँ पे शादी कर ली और उससे पैदा हुआ मैक डार्ट। जी हाँ दोस्तों, तो अभी बात बताऊँ तो ये रियलमी ने यहाँ पे वोयो पे नया ट्रेडमार्क वगैरह फाइल किया है जहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन में गैर निकल के आई है जिससे पैदा हुआ है यहाँ पे मैक डार्ट। बेसिकली ये कुछ उसी तरह का काम करेगा जिससे तरह का जो मेगा एप्पल का मैक से वगैरह है, तो इस तरह का मैक डार्ट यहाँ पे कर लिया है। तो बात यहाँ पे यही है दोस्तों कि जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से कहाँ जा रही है और रियलमी पता नहीं क्या अंडरस्टैंड यहाँ पे कर रहे हैं, तो अभी रियलमी ने ये चीज भी यहाँ पे लेके आने की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो है मीडियाटेक को लेके। बात करूँ मीडियाटेक, तो मीडियाटेक ने यहाँ पे अपने जो है वो ट्यून दो जो न्यू चिपसेट है वो लॉन्च कर दिए, जहाँ पे बात करूँ हीलियो G96 एंड G86। मैं बात बताऊँ तो ये रियलमी के फोनों में अभी हम बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और रियलमी तो अभी बोलेगा हमारे पास में ये चिपसेट भी है हमारे फोन में। तो अभी यहाँ पे जो है अभी चिपसेट तो मतलब बात बताऊँ तो काफी बजटी रेंज के चिपसेट है, और ये बात बताऊँ तो हीलियो G95 का जो प्रोसेसर है वो हीलियो G96 है जो कि 120 हर्ट्ज की यहाँ पे जो है डिस्प्ले के साथ आता है, और साथ में अब बात बताऊँ तो यहाँ पे जो है 108 मेगापिक्सल कैमरे का सपोर्ट भी है। ये मेनली बात बताऊँ हाई रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, 4G का यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, और काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बातें हैं, और यहाँ पे जो है हाइपर इंजन भी यहाँ पे यूज किया गया है तो मीडियाटेक की तरफ से हाइपर इंजन वर्जन 2 यहाँ पे यूज किया गया है ऐसा बताया जा रहा है। और बात करूँ यहाँ पे दोस्तों हीलियो G88 की, तो ये 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, और दोनों में हमें UFS 2.2 स्टोरेज वगैरह मिलती है, यहाँ पे AMOLED वगैरह है, हाईर काफी एडवांस फीचर है, 4G का भी सपोर्ट काफी अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलेंगे, काफी बेटर रहेगा, और यहाँ पे बात बताऊँ तो 15 से 20 हजार के रेंज में फोन हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी बात बताऊँ तो यहाँ पे रियलमी और Xiaomi के फोन में चिपसेट हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो अभी देखते हैं क्या रहती है। और यहाँ पे बात तो बहुत कमाल की हो रही है कि इस तरह का फोन होगा, अभी देखते हैं क्या रहते हैं पूरी कहानी। और यहाँ पे जो लिखो निकल के आ रही है यहाँ पे ओला को लेके आ रही है। बात करो यहाँ पे ओला, तो ओला के यहाँ पे जो है स्कूटर यहाँ पे उसकी प्रीजेंटेशन यहाँ पे शुरू हो चुकी है, 499 रुपीज की यहाँ पे जो है उसकी प्रीजेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे लॉन्च से पहले इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो चुकी है। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है प्लान नहीं बनता है तो आप
चीजें फुली कम्प्लीटली यहाँ पे रिफंडेबल यहाँ पे ऑप्शन है, तो काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है। और यहाँ पे बात बताऊँ तो एक्चुअल में बात यहाँ पे यही है कि इलेक्ट्रिक का जमाना यहाँ पे आगे बढ़ने वाला है, चाहे गाड़ी की बात की जाए या स्कूटर की। बाकी देखते हैं दोस्तों कि अभी स्कूटर आ रहा है तो आप ऐसे में इंटरेस्टिंग है ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर की, या फिर आपको लगता है कि दोस्तों की ओला का जो स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी हिट हो पाएगा, मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताए। यहाँ पे जो लिंक निकल के आ रही है वो है व्हाट्सएप को लेके, जहाँ पे मैं आप बताऊँ तो व्हाट्सएप जो है पहले यहाँ पे बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही है व्हाट्सएप के लेके, जहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट उनकी यहाँ पे बाहर निकल के आई है। बेसिकली जहाँ पे बात बताई जा रही है कि 2 मिलियन से ज्यादा जो है वो उन्होंने इंडियन अकाउंट यहाँ पे बैन किए गए हैं, और 1 महीने की यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आई है जो कि बेसिकली 15 मई से 15 जून 2021 की होती है। और ग्लोबली बताया जाए तो इंडिया की ग्लोबली की टोटल किया जाए तो इंडिया में सबसे 25% तो इंडिया में ही बैन किए गए हैं वो अकाउंट्स वगैरह। तो काफी यहाँ पे बड़ी रिपोर्ट बात निकल के आई कि 2 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे अकाउंट की यहाँ पे बैन किए गए हैं, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। इसमें क्या है कि जो बल्क मैसेज वगैरह भेजते थे, जो यहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से मैसेज वगैरह भेजते थे, उन सभी अकाउंट को यहाँ पे जो है वो बैन कर दिए गए हैं। तो प्लीज आप कृपया करके बचे रहिए, अब क्योंकि मैं आप जानता हूँ कि व्हाट्सएप अकाउंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ऐसे में अगर बैन वगैरह हो जाते हैं तो समझ सकता हूँ कि क्या रहती है पूरी कहानी। तो ऐसे में बचे रहिए और मतलब ज्यादा बल्क मैसेज वगैरह मत भेजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ निकल के आ गया वो भी सैमसंग को लेके आ रही है, सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 एडिशन। यहाँ पे बात बताऊँ तो इसके यहाँ पे लॉन्च डेट यहाँ पे कंफर्म हो गई है इंडिया में। ऑब्वियसली बताया जा रहा है दोस्तों की यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा देखने को मिलेगा, और ये जो फोन है वो 21 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होगा, जहाँ पे 6000 mAh की बैटरी होगी, जहाँ पे फुल HD+ की यहाँ पे AMOLED जो डिस्प्ले देखने को मिलेंगे, AMOLED वगैरह ऐसे बताए जा रहे हैं। तो सैमसंग का यहाँ पे फोन है तो काफी इंटरेस्टिंग फीचर के साथ में आएगा, तो ऐसी यहाँ पे बातें हो रही है। और यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M21 जो है वो 21 जुलाई को ही आने वाला है, तो ऐसे में आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मिल जाएंगी और इसकी स्पेशल एक वीडियो आएगी, वो भी आपको दोनों इसकी वीडियो मिल जाएंगे, बिल्कुल निश्चित रहिए। और बाकी आप मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप इस फोन को लेकर इंटरेस्टिंग है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो है यहाँ पे एप्पल को लेके। बात करूं दोस्तों जो यहाँ पे आई मैसेज को लेके यहाँ बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे कंपाइल्स लेटर वगैरह था बेसिकली वो यहाँ पे विड्रॉल वगैरह कर लिया गया है, बिकॉज एप्पल ने यहाँ पे बताया है कि आई मैसेज कोई अलग से यहाँ पे ऐप नहीं है जो कि हम डाउनलोड वगैरह करते हैं, बल्कि ये अंडर का जो इसके अंडर ही आता है, जो iOS वगैरह है एप्पल के अंडर ही आता है, उसका एक कॉम्पैक्ट यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह है। तो यहाँ पे कोई अलग से यहाँ पे है नहीं जिसके लिए हम कंपाइल्स ऑफिसर यहाँ पे नियुक्त किया जाए हमारी तरफ से, तो ऐसा यहाँ पे एप्पल ने यहाँ पे बात की है। और एक्चुअली मैं बात बताऊँ तो मुझे लगता भी है यहाँ पे कि एप्पल मतलब कि प्रॉपर उसे आपको पता है कि आई मैसेज काफी यहाँ पे सेफली और सिक्योरिटी के मामले में काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, काफी यहाँ पे अच्छा है। तो अभी एक बात ठीक भी है कि आई जो मैसेज है वो एक मतलब कि वो एक अलग से एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि फोन में इंटीग्रेट होके आता है, जो भी iOS यूजर्स हैं जो एप्पल के फोन यूज करते हैं तो उनको साथ में मिलता है। तो ऐसे में अभी देखते हैं क्या रहती है पूरी कहानी, लेकिन यहाँ पे एप्पल है उन्होंने यहाँ पे विड्रॉल कर लिया है जो कंपाइल्ड ऑफिसर के लिए उनको यहाँ पे लेटर वगैरह भेजा गया। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो है रियलमी को लेके। बात करूं रियलमी तो रियलमी 9 पॉसिबली अगर मैं बात बताऊं तो अभी RMX 151 यहाँ पे जो है ये जो जहाँ पे ये ऑनलाइन वगैरह लिस्ट हो चुका है, जहाँ पे मुझे सेम मॉडल नंबर है वो थैंकफुली अभी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसमें हमें ग्लास बैक देखने को मिलेगा, जो कि काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है। नो क्योंकि मैं जो जहाँ तक लगता है को मुझे लगता है कि नंबर सीरीज जो है रियलमी की उसमें शायद किसी किसी में कोई होगा जिसमें हमें जो है ग्लास बैक देखने को मिलता है, तो थैंकफुली अभी रियलमी 9 आ रहा है उसमें हमें ग्लास बैक देखने को मिल रहेगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है लीक्स के अकॉर्डिंग। और बात बताऊँ तो रियलमी 9 सीरीज 5000 mAh की बैटरी होगी, ऐसा भी यहाँ पे कन्फर्म्ड हो रहा है धीरे धीरे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रियलमी की नंबर सीरीज 9 रियलमी 9 है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो अभी देखते हैं कब तक ये लॉन्च होती है इंडिया में और किस प्राइस पे ये आती है। और यहाँ पे जो लिखा निकल के आ रही है वो यहाँ पे सैमसंग को लेके। बात करूँ यहाँ पे दोस्तों सैमसंग, तो सैमसंग BTV डे यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं, जहाँ पे बात बताऊँ तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे, अलग अलग ऑफर वगैरह है सैमसंग की तरफ से, जहाँ पे जो टीवी वगैरह है टीवी भी यहाँ पे बात की जा रही है, तो काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। तो अभी शायद यहाँ पे बात बताऊँ तो यहाँ पे जो है ये काफी अच्छे अच्छे ऑफर आपको देखने को मिलेंगे अगर आप सैमसंग का टीवी वगैरह LED वगैरह परचेज करना चाहते हैं, तो अभी आप इसको परचेज वगैरह कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑफर निकल के आ रहे हैं, साथ साथ में आपको जो है यहाँ पे साउंड वायर भी देखने को मिलेंगे, तो काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। 15 से 20 यहाँ पे जुलाई तक ये सेल रहेंगी मेनली, तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर
आप ऐसे में कोई चाहते हैं एलईडी वगैरह परचेज करना, और सैमसंग की आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें इंटरेस्टिंग ले सकते हैं कि आपको अच्छी का अच्छी डील यहाँ पे मिल जाए। यहाँ भी आज का फैक्ट है कि आपको पता है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जो सबसे पहले यहाँ पे कैमरा निकल के आया था वर्ल्ड का, उसका जब यहाँ उसके सामने जब फोटो वगैरह ली जाती थी तो उसके सामने कम से कम 8 घंटे लगातार बैठना पड़ता था उसके बाद उसकी फोटो। दोस्तों बस आज की टेक्नोलॉजी यहाँ पर ही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।